राखी और महेश शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, जिनका इकलौता बेटा था जिसका नाम करण था। इन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला था और उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा किया था। पर अब वक्त था करण की शादी का। इसके लिए राखी और महेश ने लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच उनके घर प्रीता नाम की लड़की का रिश्ता आता है। प्रीता बहुत खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती को देखते हुए राखी और महेश उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर देते हैं। दोनों की शादी का दिन आ चुका था। शादी की सभी रस्में निभाई जा चुकी थी और अब वक्त था प्रीता की विदाई का, जो अपने फैमिली मेंबर से आखिरी विदाई लेती है और अपने ससुराल जाने के लिए करण के साथ कार में बैठ जाती है। प्रीता करण के साथ अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो चुकी थी, तभी अचानक रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। एक्सीडेंट में करण तो बच गया था, लेकिन इस एक्सीडेंट में प्रीता लंगड़ी हो चुकी थी। अपनी बहू के पहले ही दिन उसका ये खतरनाक एक्सीडेंट देखकर राखी और महेश बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने खुद को संभाला और प्रीता की पूरी देखभाल की। अब प्रीता के पैर का दर्द कम हो गया था, पर वो लंगड़ा कर चलती थी, जिसे देख कर आस पड़ोस के लोग उसकी सासू माँ को ताने कसते हुए बातें बनाते थे कि राखी ही मनहूस है जिसके घर आने से पहले ही प्रीता ने अपना एक पैर खो दिया। हालांकि राखी तो लोगों के इस तरह तरह के तानों पर पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन एक बार जब पड़ोस में रहने वाली एक करीना नाम की महिला ने प्रीता के सामने उसकी सासू माँ की बुराई की और उसे प्रीता के लिए मनहूस बताया, प्रीता ने यह सब सहन नहीं किया और उसने तुरंत करीना का पलट कर जवाब देते हुए कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी भी तरह की बातें बनाना आपको शोभा नहीं देता। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपकी उम्र का लिहाज है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप बिना सच जाने ही किसी के बारे में कितना गलत कह रही हैं। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है वो सिर्फ मुझे पता है। वो मेरा एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह ख्याल रखती है। वैसे भी आप कैसे जानेंगी मेरी सासू माँ की ये सच्चाई? आपको तो बस बातें ही इधर की उधर करनी आती है। और आपकी इन गलत बातों से सामने वालों को कितनी ठेस पहुंचती है, कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं ना, लेकिन इसका एहसास आपको तब जरूर होगा जब बिना गलती के लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे। इसी बीच प्रीता जब करीना को पलट कर जवाब दे रही थी, तब उसकी वो बातें राखी भी सुन लेती है। अपनी बहू की इन सभी बातों को सुनकर बहुत खुश होती है। उसे गर्व था कि किसी ने उसका साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसकी बहू उसका पूरा साथ दे रही है। और अपनी बहू की यही बातें सुनकर राखी तुरंत प्रीता के पास पहुंचती है और खुशी के आंसू के साथ प्रीता को अपने गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।